दोस्तों, लीवर हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अगर लीवर ठीक से काम ना करे या अगर लीवर कमजोर हो जाए तो ये बहुत सारी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके शरीर में, ये डाइजेशन से लेके कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन से लेके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस रखने से लेके उसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन्स के प्रोडक्शन और साथ ही टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, जिससे हम कई सारी बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन जब लीवर ठीक से काम नहीं करता है दोस्तों, तो फिर लीवर की कमजोरी के कई सारे लक्षण या साइंस हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं लक्षणों के बारे में या वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लेते हैं तो अपने लीवर को बड़े नुकसान से या ओवरऑल आपका जो स्वास्थ्य है उसको बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके साथ इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण जो मैं आपको बताने वाला हूं लीवर की कमजोरी का, वो होता है कि आपके टांगों में, लोअर लेग्स में कुछ छोटे छोटे रेड स्पॉट्स, पॉइंटेड रेड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जो लीवर की कमजोरी का पहला लक्षण होता है। उसका कारण ये होता है कि लीवर ठीक से बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स को या एंजाइम्स को नहीं बना पाता है कमजोरी के कारण, और जो ब्लड है वो क्लोट होने लगता है आर्टरीज में आपकी स्किन के नीचे, जिसको हम पिगमेंटेड रेड स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। जो दूसरा लक्षण है वो भी टांगों में ही आता है, और ये होता है आपकी टांगों की जो वेन्स हैं उनके अंदर जो वेन्स हैं वो थोड़ी थोड़ी फूलने लगती हैं। ये ब्लूइश कलर की बारीक बारीक नसें उभरने लगती हैं स्किन के ऊपर, और ये ब्लू होने के साथ साथ रेडिश भी हो सकती है। इसके कई प्रकार होते हैं। ये आपकी टांगों पे और आपके एब्डोमन पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, जिनको स्पाइडर नेवल्स या नेवल्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप इन इमेजेस में देख पा रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें या इस तरह के लक्षण आपको दिखने लगे आपकी टांगों पे और इवन आपके पेट पे, एब्डोमन पे, तो ये मान लेना चाहिए कि आपको लीवर की कोई बड़ी बीमारी है या लीवर आप फेल्यूर की तरफ जाने लगा है, क्योंकि स्पाइडर नेवी को लीवर फेल होने का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। तीसरा लक्षण होता है जो बहुत ही कॉमन है, क्रैक्ट हील। तो अगर एड़ियां पड़ती हैं किसी की तो ये भी एक लीवर का बड़ा सिग्निफिकेंट लक्षण होता है। बट लीवर की कमजोरी में क्यों एड़ियां पड़ती हैं? उसका कारण ये होता है कि जो फैटी एसिड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए बाइल की या पित्त रस की एक अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी आपके शरीर में होनी चाहिए। अगर आपका लीवर कमजोर होता है तो ये क्वालिटी बाइल की अच्छी नहीं होती है या क्वांटिटी इतनी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो फैटी एसिड्स हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और अगर फैटी एसिड्स अब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो उसकी वजह से आपका विटामिन B3 और ओमेगा फैटी थ्री एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज की एड़िया फटने लगती है। चौथा जो लक्षण होता है वो आपकी स्किन जो है वो रफ एंड ड्राई रहने लगती है। उसका कारण ये होता है कि विटामिन ए एंड विटामिन बी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो फिर ये विटामिन्स भी आपके ब्लड में या शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको विटामिन बी और विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसके कारण एक तो आपकी नज़र कमजोर होने लगती है और जो स्किन है वो रफ और ड्राई रहने लगती है। पांचवा जो लीवर की कमजोरी का लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है आपके एड़ियों में अगर दर्द रहता है या आपकी एड़ियों में या पैरों के तले में कुछ खुजली और आग जैसी लगती है, जलन जैसी महसूस होती है, तो ये भी लीवर की कमजोरी का एक लक्षण होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है और जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लीवर में प्रोड्यूस होती हैं उनका प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है, इसकी वजह से आपके पैरों के तलों में आग सी लगने लगती है या जलन सी महसूस होती है या वहां पे आपको टेम्परेचर ज्यादा महसूस होता है। और जो छठा लक्षण है दोस्तों, वो होता है कि अगर आपके पैरों के अंदर बहुत ज्यादा बदबू आती है, आप जब शूज उतारते हैं, अपने सॉक्स उतारते हैं, अगर आपको बदबू आने लगती है तो मान के चलिए कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसका कारण यह है कि जैसे हमने बात की कि लीवर बहुत सारे टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकालता है, अब अगर ये टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारी स्किन इनको बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि पैरों के निचले हिस्से में या बॉडी के निचले हिस्से में जाके टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, और जब आपको पसीना आता है तो बाकी बॉडी का पसीना तो सूखने लगता है, बट जो पैरों का पसीना है वो आपके सॉक्स में जमा होने लगता है और उसमें जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसकी वजह से आपके पैरों में बदबू आने लगती है। तो अगर आपके पैरों में मोच उतारने के बाद बदबू आती है तो ये मान के चले कि आपका लीवर कमजोर हो सकता है। आप लीवर की टेस्ट कराएं, लीवर की जांच कराएं
और अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और जो सातवां जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्षण है लीवर की कमजोरी का या लीवर की बीमारी का, कि पैरों पे सूजन आने लगती है, और सूजन ऐसी होती है कि अगर आप उसको अंगूठे से ऐसे थंब से दबाते हैं थोड़ी देर, तो वहां पे एक गड्ढा पड़ जाता है जो कुछ देर के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है, जिसको पेडल एडिमा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये किडनी फेलियर में भी इस तरह के लक्षण होते हैं या हार्ट फेलियर में भी होते हैं, मगर लीवर फेलियर में भी एक सिग्निफिकेंट लक्षण माना जाता है कि अगर आपको पेडल एडिमा डेवलप हो गया है, तो मान के चले कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और आठवां जो एक लक्षण होता है कि अगर आपके नाखून की जड़ें जो ये नेल्स हैं, अगर इनके नेल बड जो है वहां पे आपको एक चांद के आकार के सफेद निशान दिखने लगे, तो ये मान के चलें कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और जो नवा लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपके नाखूनों पे हाथ और पैर के छोटे छोटे सफेद धब्बे या लकीरें दिखने लगती हैं, तो ये भी एक लीवर की कमजोरी का लक्षण होता है। तो इन लक्षणों को, इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, ये लीवर की कमजोरी के वार्निंग साइंस होते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो अपने डॉक्टर से मिले, अपने लीवर की जांच कराएं और समय रहते इसका इलाज करा लें। अब एक बात ये उठती है कि भाई एक्चुअल में होता ऐसा क्यों है, क्यों लीवर हमारा कमजोर होने लगता है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारा खाना पीना जो है, जो हम बहुत ज्यादा चिकना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो उसके लिए हमारे लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लीवर कमजोर होने लगता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसमें भी आपके लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लीवर कमजोर होने लगता है। साथ ही कुछ दवाइयां, बहुत सारे पेन किलर्स, या अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं तो बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं, तो सारे का सारा डाइजेशन तो आपके लीवर में जाके ही होता है, तो वहां पे लीवर कमजोर होने लगता है अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह की दवाइयां लेते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। उसके अलावा हाई शुगर इनटेक और अल्कोहलिक लोगों में जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो भी आपके लीवर को कमजोर करते हैं, लीवर में स्वेलिंग पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और मरीज लीवर फेलियर की तरफ भी जाने लगता है। तो इन लक्षणों के आधार पर या वार्निंग साइंस के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपका लीवर कमजोर तो नहीं है और आप बड़े खतरे को टाल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो अपने डॉक्टर को जरूर मिल लें, तो दैट पूरा वो लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख लें और उनसे इलाज जरूर कराएं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता देता हूँ, बहुत आसान है लेकिन बहुत ही कारगर है। आप सिंपली एक अर्क मको, यानी कि मको एक घास होती है, उसका अर्क और एक अर्क कासनी, उसका भी अर्क अगर आप 20-20 ml सुबह शाम लेना शुरू कर देते हैं खाली पेट लगातार, अगर आप 1-1.5 महीना ले लेते हैं, तो आप इन सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर देंगे। इवन आप लीवर फेलियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप साथ में लिफ-52 की टैबलेट ले लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, मगर मैं सलाह दूंगा कि इनको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक कर लें, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सुनने को मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।